नमस्कार साथियों, मैं संदीप लोकवाल, आप देख रहे हैं आज ट्वेंटी फोर न्यूज। अभी देख सकते हैं भाई, रॉन्ग साइड ट्रंक आ रहा है और ऐसे ही रॉन्ग साइड ट्रंक आने से जो एक कल भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट दिखाऊंगा तो सारे भाई लाइक एंड शेयर करते। और ऐसे ही ये ट्रंक आया है पीछे, कल दो ट्रंक आया, आज कल ऐसे ही भाई एक ट्रंक रॉन्ग साइड आ रहा था जिसके कारण हादसा हो गया था। और हादसा देख सकते हैं कितना जो है नुकसान ट्रंक को हुआ है, ये चीज़ देख सकते हैं। सर भाई लाइक शेयर कर दीजिए, घटना ताज़ा घटना है, कल की है। और ये जो रोड है बरवाड़ा रोड है भाई, और बाडोपट्टी टोल प्लाजा के पास की घटना है, बाडोपट्टी गांव के अंदर। ये ट्रंक की हालात आप देख सकते हैं भाई, कितनी हालात है। मैं हमारे ड्राइवर से कहूँगा गाड़ी थोड़ा सा ट्रंक के नज़दीक लगाए, ये देख सकते हैं भाई ट्रंक पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है। और मैं नज़दीक से आपको ट्रंक दिखाऊँगा, तो ये देखिए भाई ट्रंक के जो हालात आप देख सकते हैं, कैसे हालात ट्रंक के आपको देखने को मिल रहे हैं भाई। तो ड्राइवर साइड एक रॉन्ग साइड था, एक ड्राइवर साइड जो है ट्रंक के हालात, एक ट्रंक और आगे है वो दिखाऊंगा। ये देखिए भाई ट्रंक का पूरा पूरा नुकसान हो चुका है, और एक जो ट्रंक आगे खड़ा है, एक्सीडेंट कैसे हुआ पूरे का पूरा घटना बताऊंगा। यही रोड था, एक जो रॉन्ग साइड आ रहा था भाई, जो डिवाइडर है डिवाइडर के नज़दीक नज़दीक रॉन्ग साइड एक ट्रंक आ रहा था, और एक अपनी साइड से ऐसे जा रहा था जैसे ट्रंक है ना ऐसे, तो ऐसे दो ट्रंक है आपस में टकरा गए थे, यानी दोनों ड्राइवर साइड टकरा गई थी, जिसके कारण भाई हादसा इतना खतरनाक था कि एक ड्राइवर को भाई जो पूरा प्रेशर के साथ पूरे मकसद के साथ बाहर निकालना पड़ा, यानी इतना पूरा का पूरा जो उसके बचने की संभावना भी शायद बहुत ही कम है, अभी तक वो इमरजेंसी में एडमिट है। और दूसरा ड्राइवर बिल्कुल सेफ था, एक ड्राइवर बच गया, और एक ड्राइवर के हालात काफ़ी जो खतरनाक हमने पता किया है, लेकिन अभी तक जो डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन जो है ड्राइवर आईसीयू में है, यानी कंडीशनल ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते। तो भाई ये देख सकते हैं दूसरा ट्रंक के हालात में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए भाई थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, उससे कहीं आगे जो ट्रंक जो आगे साइड में करके जो पुलिस वालों ने खड़ा किया है, तो दूसरे ट्रंक के हालात तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये देखिए भाई मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे ट्रंक के हालात, ये देखिए कैसे हालात दूसरे ट्रंक के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, और यहाँ पर भाई साहब बैठे, ये हालात देख सकते हैं भाई ट्रंक के। तो जो ये हादसा हुआ भाई साहब, आप आपको पता है इसके बारे में कैसे हुआ था ये? क्या भाई, जो ये हादसा हुआ कैसे हुआ था थोड़ा बहुत पता है आपको? आपको मैं भाई एचबीएन 24 न्यूज से। अच्छा जब नहीं गया बाद में। तो ये हालात भाई, ड्राइवर तो सेफ है ना, दोनों ड्राइवर सेफ है? अच्छा एक ड्राइवर मतलब डेथ होगी। अच्छा अच्छा, अब आप देख सकते कितनी खतरनाक हो रहे हो। तो ये देख सकते हैं भाई कितना जो है भयंकर हालात इसके देखने को मिली, जो ये ड्राइवर बता रहे हैं तो भाई ये डेथ हो चुकी है काफ़ी सीरियस कंडीशन के बाद। और ये जो ट्रक के हालात है आप देख सकते हैं, और तो यही कहना चाहूँगा कि भाई रोड पर चले तो सेफ्टी से चले, और जो ये जो हाईवे है अपना जो चंडीगढ़ हाईवे है, कितने खतरनाक जो है हालात देख सकते हैं भाई, ड्राइवर का बचना नामुमकिन था। ट्रंक जो स्टेयरिंग तक पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है, जो ट्रंक का जो स्टेयरिंग पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं भाई आगे से हालात है। और एक ट्रंक के हालात थोड़े ठीक थे, तो एक ट्रंक की जो ड्राइवर साइड बिल्कुल बैठ चुकी है। महाराष्ट्र के और यूपी के ट्रंक बताए जा रहे हैं, एक ट्रंक यूपी का है, एक ट्रंक महाराष्ट्र का है, और एक हिसार का ट्रंक है यानी लोकल ही है, एक महाराष्ट्र से ट्रंक था। तो हादसा कैसे हुआ थोड़ा सा सीन रिक्रिएट मैंने दोबारा फिर से कर देता हूँ। जैसे कि ये पट्टी आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे पट्टी से एक ट्रंक रॉन्ग साइड आ रहा था, क्योंकि आगे कट है उसको टर्न लेना होगा, यू टर्न लेनी होगी, एक ट्रंक रॉन्ग साइड आ रहा था, एक अपनी साइड से था जैसे कि गाड़ी गिरा रही है। तो पता नहीं क्या हुआ भाई, ध्यान नहीं दिया दोनों ड्राइवरों ने, एक ट्रंक हिसार की तरफ से जो है लगभग 60-70 की स्पीड से आ रहा था बताया जा रहा है, तो दोनों आपस में भिड़ गए, जिसके कारण ये नुकसान हुआ, और यही चीज जो है देखने को मिली। तो साथियों अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि भाई रोड पे चलते हुए सावधानी से चले, खासकर जब आप कोई यू टर्न लेने के लिए कोई रॉन्ग साइड चल रहे हो, तो भाई जो अपने चक्षु खोल के रखे बहुत ध्यानी से आप रॉन्ग साइड चले। काफी बार आपने देखा होगा कि हाईवे चलते हैं तो रॉन्ग साइड काफी लोग आते हैं थोड़ा सा एक या डेढ़ किलोमीटर का अपना तेल बचाने के लिए। तो भाई यही कहूंगा कि तेल बचाने की कोशिश ना करें रॉन्ग साइड जितना हो सके, रात को तो कम ही चले सुबह शाम के टाइम, और बहुत ही सावधानी से चले। बने रहिएगा एचबीएन 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और जो है जो ड्राइवर की डेथ हुई उसके लिए ओम शांति ओम जरूर लिखिएगा। जय हिंद।